नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। झारखंड में इन दिनों नगर पंचायत चुनाव की चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कूजू पश्चिमी पंचायत से निवर्तमान मुखिया नीतू देवी हैं। बता दें, नीतू देवी कई वर्षों से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं और अब क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति मैदान में उतर चुकी हैं। नीतू देवी 2010 में कूजू दक्षिणी पंचायत से पंचायत समिति का चुनाव लड़ी और उन्हें जीत हासिल हुई। 2015 के पंचायत चुनाव में नीतू देवी अपनी पंचायत के मुखिया का चुनाव लड़ी और चुनाव में जीत हुई। हमारे संवाददाता से बातचीत में नीतू देवी ने बताया कि अभी तक के कार्यकाल में अपने पंचायत में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम की। सरकार द्वारा जो भी योजनाएँ आईं उसको पंचायत के धरातल पर उतारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सड़क का निर्माण हो, गली नली का कार्य हो, साफ सफाई हो, पेंशन योजना हो, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। सभी लोगों को साथ लेकर चलने का काम किया, हमेशा जनता के लिए हाजिर रही हूँ। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 70 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पंचायत में कई जगह सड़क का निर्माण, गली नली का निर्माण, 80% लोगों को राशन कार्ड बनाना, 10 जल मीनार लगवाना, 600 शौचालय बनवाना, हाई स्कूल में हैंड वॉशिंग की व्यवस्था करना, 150 स्ट्रीट लाइट लगवाना, मनरेगा के द्वारा 10 बकरी सेड, 10 मुर्गी सेड, 500 से ज़्यादा वृक्षारोपण करना, ठंड के दिनों में 200 लोगों को कंबल का वितरण करना, कोरोना काल में पंचायत के लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर देना, कोरोना काल में होम क्वारंटाइन हुए लोगों को खाना की व्यवस्था करना, इस तरह के कई कार्य मेरे द्वारा किए गए। आपको बता दें कि नीतू देवी लगातार अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करती नजर आती हैं। कोरोना काल में भी जब भी लोगों को जरूरत होती है, नीतू देवी उनके साथ खड़ी रहती हैं। नीतू देवी ने कहा कि अगर इस बार कूजू दक्षिणी पंचायत की जनता मुझे पुनः मौका देगी तो इस बार मैं पंचायत को प्रदूषण मुक्त करूंगी। खैर, ये तो जनता ही जानती है कि उनके मन में क्या है और वे किसे क्षेत्र के विकास का दावेदार चुनेगी। आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों झारखंड राज्य में पंचायत चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिया और अपना एक तरह से प्रचार प्रसार कर दी शुरू कर दिए हैं। आज मैं झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड अंतर्गत कूजू पश्चिमी पंचायत आया हूँ। इस पंचायत में जब हम आए और लोगों से जब हमने बातचीत किया तो यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया हैं नीतू देवी जी के बारे में, इनके विकास कार्यों को लोग काफ़ी सराहना किए। आज हम नीतू देवी जी के पास आए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने 5 साल अपना जो कार्यकाल रहा मुखिया का उसमें ये क्या क्या विकास का काम किया और इस बार जो ये चुनाव लड़ रहे हैं इस बार इनका क्या चुनावी मुद्दा है और यहाँ की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके पुनः इनको यहाँ से मुखिया बनाती है तो ये किस तरीके का विकास का काम करेंगे। नीतू देवी जी, सबसे पहले आदर्श भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अभी इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया हैं तो आप 5 साल में आपके कार्यकाल में क्या क्या आपने काम किया पहले ये बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि इस मीडिया चैनल से आपने लोगों अपने मेरे पंचायत में लोगों को इस जानकारी के बारे में, उन्हें तो ऐसे अच्छी तरह से पता है कि मैंने जो काम किया है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने पंचायत को अगर फिर मुझे दोबारा मौका मिलता है तो नंबर 1 पंचायत बनाऊँगी। अभी तक आप जो मुखिया बने हैं उस रीजन में क्या क्या आप काम किए हैं? मैं अपने पंचायत में आवास देने का काम की हूँ, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सड़क बनवाई हूँ, रोड नाली है, सरकार का जो भी योजना है मिला वो मतलब, आप पंचायत की धरातल पर उतारे। हाँ, मुर्गी सेड है, बकरी सेड है या गाय सेड है, ये सब सारी जितने भी योजना आई है मैं उसे धरातल पर उतारने का पूरा कोशिश की है। इस बार इस क्षेत्र की जनता आपको पुनः आपके ऊपर विश्वास करके मुखिया बनाती है तो आप क्या क्या काम करेंगे पंचायत में, आपका प्राथमिकता क्या रहेगा? सबसे पहले प्राथमिकता तो रहेगा कि मैं अपने पंचायत को विकास की ओर ले जाऊँ। जो खासकर बच्चों को डेवलप करने का जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबसे पहले मैं उस पर फोकस करूँगी और उसके बाद मेरा पंचायत में थोड़ा प्रदूषण का थोड़ा दिक्कत है तो मैं उसे भी क्लीन करने का कोशिश करूँगी, प्रदूषण मुक्त कराऊँगी। हाँ, तो मुझे दोबारा मौका मिला तो फिर मैं ज़रूर अपने पंचायत को, अपने पंचायत के लोगों को आगे लेकर जाऊँगी और नंबर 1 पंचायत बनाना चाहूँगी।
आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों पंचायतवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस पंचायत चुनाव में? वो मुझे एक बार फिर से मौका दें और जो काम अधूरा रह गया उसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि कोरोना टाइम में 2 साल मैं काम नहीं कर पाई जी। तो वो उसमें जो मेरा बचा हुआ काम है, जो भी कार्य है, तो उस पंचायत के बीच में बैठकर जो काम अधूरा है, मैं सबसे पहले उन लोगों से बात करके और जो सबसे पहले प्राथमिकता होगा उसी योजना को अपने पंचायत में सबसे पहले उसे करूँगी पूरा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आदर्श भारत टीवी के साथ। नमस्कार।